दोस्तों, अगर आपकी आईडी से कोई दूसरा सिम कार्ड चला रहा है, यानी कि आपकी आईडी पे कोई दूसरा नंबर लेकर यूज कर रहा है और आपकी जानकारी में नहीं है, और मान लीजिए कि उस नंबर से कोई साइबर क्राइम या कोई दूसरी गलत चीजें हो गई, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ऐसा भविष्य में कभी ना हो, इस चीज को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने एक ऐसा नियम बनाया है जिससे आपको जानकारी होगी कि आपके नाम पर कितने नंबर एक्टिव हैं और कितने नंबर आपके नाम पर पहले एक्टिव थे, आप उनको बंद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो कॉन तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है लेकिन ट्राई, उसने एक नियम निकाल रखा है जिसके अंतर्गत अगर आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिव है, अगर आपके किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, चाहे जियो, एयरटेल, वीआई, किसी भी कंपनी के हो, टोटल अगर आपके नंबर पे आपकी आईडी से 9 सिम एक्टिव है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 9 से ज्यादा है, आपको उनका रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, यानी कि आपको दोबारा उन नंबरों को अपनी आईडी से वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात यह होगी दोस्तों कि आप जिन जिन नंबरों को चला रहे हैं, आप उनको वेरीफाई कर लीजिए, और जो नंबर आपके मतलब कि नंबर आपकी आईडी से एक्टिव नहीं है, उनको आप बंद कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट के जरिए, सरकारी वेबसाइट के जरिए आप आराम से कर पाएंगे, बशर्ते सिर्फ आपका जो आधार कार्ड है वो नंबर पर लिंक होना चाहिए, आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए आप आराम से सबको कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी आईडी से कोई सिम चला रहा है तो आप उसको अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप ऐसा ट्राई ने नियम निकाल दिया है। अगर आपके पास 9 सिम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 9 से ज्यादा है तो एक बार आप उसका रीवेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए, आपकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा जरूर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।